माली साल 2023-24 इब्तदाई खदोखाल आइंदा माली साल वफाकी बजट का हजम 14,600 अरब रुपये मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए मालियाती खसारे का हदफ 6,000 अरब रुपये है। ज़रा के मुताबिक टैक्स वसूलियों का हदफ 9.2 ट्रिलियन रुपये मुतवक्के है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद इंसारी से। जी इरशाद जी, देखें अगले माली साल के वफाकी बजट के जो तखमीना जाते हैं उसको फाइनल किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है NEC की मीटिंग भी हुई है, जिसमें अगला जो है वो तरक्याती प्लान और जो PSDP है उसकी मंजूरी दी गई है। और जो अगले माली साल का बजट है, जो हमारे ज़राए वज़ारत खजाना के बताते हैं कि उसका मजमूई हजम जो है वो 14,600 अरब रुपये है। और इसी तरह जो मालियाती खसारा है वो 6,000 अरब रुपये के लगभग है। और मालियाती खसारा GDP के लिहाज से जो वफाक का है वो 7.7% जो है वो रहने का मतवक्को है। और जो वफाक और सूबों का दोनों का मिला के जो मालियाती खसारा है उसमें जो के सूबों का इस मरतबा कुछ सरप्लस बजट जो है वो मतवक्के है, तो ये 7.1% जो है वो हदफ मतवक्के है। इसी तरह बेंजीन एक्सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 430 अरब रुपये जो है वो रखे जाने का इम्कान है। दिफाई बजट का हजम जो है वो 1,800 अरब रुपये के लगभग है। और इसी तरह टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब यानी कि 9.2 ट्रिलियन रुपीज मतवक्के है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,800 अरब रुपये मतवक्के है। और इसके अलावा जो अगले माली साल का वफाकी बजट है उसमें जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे मोबाइल फोन हैं और इसी तरह जानवरों की जो इम्पोर्टेड फूड है, कॉस्मेटिक का सामान है, कन्फेक्शनरीज है, चॉकलेट है और इसी तरह बैग शुदा जो फूड आइटम्स हैं, इसके अलावा 3 दर्जन से जायद आइटम्स हैं उन पर टैक्सेशन जो है वो बढ़ाई जा रही है। $100 से जायद मालियत का जो मोबाइल फोन है उस पर जो है वो ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। इसी तरह नॉन फाइलर जो है वो उनके लिए जो है वो टैक्सेशन जो है वो मजीद की जा रही है। इंपोर्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उस पर सेल्स टैक्स की शरह जो है वो 25%। और इसी तरह कॉस्मेटिक का सामान, मस्कारा वगैरह जो दूसरी चीजें हैं उस पर भी 25% जो है वो सेल्स टैक्स मतलब किया। इसी तरह जो इंपोर्टेड और ब्रांडेड कपड़ा है उस पर जो है वो सेल्स टैक्स बढ़ा के जो है वो 18% करने की जो है वो तजवीज़ है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद इंसारी आप।